आज राव राजा कल्याण सिंह जी तो हमारे बीच में नहीं है और उनके परिवार के सदस्य भी कोई अब यहाँ रहते नहीं है, लेकिन आज सीकर की जनता ने ये साबित कर दिया है कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर जिस राजा ने हमेशा सीकर को अपना परिवार समझा, आज उस राजा की जयंती के दिन सब लोग राजा को अपने परिवार का सदस्य मानकर उनकी जयंती मना रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, एक बात तो साबित हो गई कि राव साहब कल्याण सिंह जी ने कभी भी इस बात में भेदभाव नहीं किया कि ये इस जाति का व्यक्ति है या इस धर्म का व्यक्ति है, जो सबको साथ में लेकर चले। और आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब मैं बात कर रहा था, अभी पूछ रहा था कि राव साहब अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए। आज जो भी सीकर में बड़ी बड़ी जगह आपको नजर आ रही है और जनता के यूज में आ रही है, वो सब काम, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, वो सब काम राव राजा कल्याण सिंह जी की तरफ से सीकर की जनता को समर्पित कर दिए गए, सरकार को समर्पित कर दिए गए। और बड़ी बात, आपको पता है 1952 में देश आज़ाद हुआ, 52 में जब आज़ादी मिली तब उन राजाओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई आज़ादी के वक्त। आगे बढ़कर कहा कि लोकतंत्र का हम सम्मान करते हैं, और लोकतंत्र का सम्मान करते हुए जिन राजाओं ने सबसे आगे आकर खड़े होकर काम किया, उनमें राजस्थान के राजाओं का बड़ा नाम। राजाओं ने कहा कि जब देश की जनता ने आज़ादी हासिल की है अंग्रेजों को हराकर, और बड़ा आंदोलन हुआ उस वक्त, आंदोलन के बाद कांग्रेस आंदोलन के लिए मैदान में उतरी और देश आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद 52 में लोकतंत्र लागू हुआ, और 1954 में मुझे जो बताया गया, राव साहब की डेथ हो गई। मैं इतना कह सकता हूं कि जो भी राजा उस वक्त थे, उनके पास राज था, उनका साम्राज्य था, लेकिन उन राजाओं ने लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को समझा, और समझकर आगे बढ़कर उन्होंने जो भी राजपाट खड़ा किया वो आगे आकर डोनेट किया। उनमें सबसे बड़े नाम यदि किसी का लिया जाता है तो सीकर के राव राजा कल्याण सिंह जी बहादुर का भी लिया जाता है, और इसलिए मैं आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बड़ी बात मैंने ये देखी कि मैं राव राजा कल्याण सिंह जी अकेले ऐसे राजा जिनके आगे बहादुर लिखा जाता है, बहादुर सबके आगे नहीं लिखा जाता, लेकिन लोग जब भी उनकी चर्चा करते हैं तो हमेशा एक ही बात करते हैं, बड़े धीर, गंभीर, विनम्र, दयावान, लोगों की सोचने वाले व्यक्ति के रूप में, राजा के रूप में उनको लोग मानते हैं। आज सीकर की जनता को मैं बधाई दूंगा, हर धर्म का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित होकर एक ट्रस्ट बनाकर उनकी यादों को अमर करने में लगा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया उनको 1 लाख रुपए का प्राइज दिया गया, 51,000 रुपए का प्राइज दिया गया। ये प्राइज अपनी जगह है, लेकिन एक राजा के सम्मान में उनके नाम से प्राइज की घोषणा करना, ये इसके लिए इस ट्रस्ट को, इस ट्रस्ट के सारे मेंबर्स को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दूंगा। क्योंकि सोचना आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है। कई बार लगता है, लोग कहते हैं कि मैं ये कार्यक्रम कर लूँ, जो कार्यक्रम करता है उसको पता चलता है कार्यक्रम करना आसान नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने यही कहा था चित्रंजन सिंह जी जब मुझे मिले, को राजनीति बीच में नहीं आनी चाहिए, धर्म बीच में नहीं आना चाहिए, जातिगत जाति बीच में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जब राजा राजनीति कर रहे थे, यहाँ पर रूल कर रहे थे, तब सिर्फ एक जाति के लिए काम नहीं कर रहे थे, तब वो सीकर की आन बान शान के लिए, सीकर की माँ बहन बेटी के सम्मान के लिए, सबके लिए काम कर रहे थे। राजा के मन में कभी ये नहीं था कि आज मैं जो सीकर में इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, कल मेरा राज रहेगा या नहीं रहेगा। आज लोकतंत्र में सबकी आवाज़ बुलंद होती है। मैं ऐसे राजा के जन्म जयंती पर मैं आप सबसे एक अनुरोध करूँगा, राजनीति चलती रहेगी, कुर्सियाँ आती जाती रहेगी, नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारा प्यार और प्रेम, धार्मिक एकता, जातीय एकता हमेशा बनी रहनी चाहिए। इस देश की सबसे बड़ी धरोहर है कि लोकतंत्र को यदि आगे ले जाना है, लोकतंत्र में मजबूती के साथ काम करना है। ये लोकतंत्र बड़ी आसानी से नहीं मिला, अंग्रेजों की हुकूमत को हराकर जो लोकतंत्र हमने हासिल किया है, उस लोकतंत्र में छोटी छोटी बातों पर जातीय टकराव करना, धार्मिक टकराव करना, ये ठीक नहीं है। ना देश के हित में है, ना लोकतंत्र के हित में, ना विकास के हित में, ना स्टेट के हित में, ना भारत के हित में। राव राजा राजेंद्र सिंह की जयंती के दिन सबके बड़ा संकल्प एक होना चाहिए सीकर की धरती पर, कि हम जाति और धर्म से ऊपर उठकर सीकर के सम्मान के लिए, राजस्थान के सम्मान के लिए, हिंदुस्तान के सम्मान के लिए काम करेंगे। यही बड़ी जयंती का हमारा संकल्प होगा, क्योंकि आजकल
सब जगह एक आवाज बुलंद हो रही है। बड़ा आसान है जाति के नाम पर टकराव खड़ा करना, बड़ा आसान है धर्म के नाम पर टकराव खड़ा करना, लेकिन बड़ा मुश्किल है जाति और धर्म के नाम पर प्यार पैदा करना। एक बार जब टकराव पैदा हो जाता है, मन में स्थितियां खराब हो जाती है, तो फिर गड़बड़ होती है। राव साहब की जयंती के दिन एक बात तय कर लेना, जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो ना हिंदू था ना मुसलमान, ना सिख ना ईसाई, सबसे पहले मेरा हिंदुस्तान था का नारा बुलंद हो रहा था। सब ने एक ही बात कही, ना हिंदू होगा ना मुसलमान होगा, ना सिख होगा ना ईसाई होगा, सबसे पहले मेरा हिंदुस्तान होगा, तब देश को आजादी मिली। और आज भी हम सबकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि इस तिरंगे के मान और सम्मान के लिए, इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए, छोटे छोटे मुद्दों पर कई बार जब हम आमने सामने खड़े हो जाते हैं, इसी देश में रहेगा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इसी देश में रहेंगे हर जाति और धर्म के लोग। राजनीति में कांग्रेस हो या बीजेपी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन सबसे पहले यदि कोई धर्म है तो वो राष्ट्र धर्म है, सबसे पहले मेरा हिंदुस्तान है। जब आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी, तब ये तय नहीं किया जा रहा था कि साथ में हिंदू चल रहा है या मुसलमान चल रहा है। आज जब मैं इस मंच को देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि पूरा हिंदुस्तान इस मंच पर नजर आता है, क्योंकि हर जाति और धर्म के लोग इस मंच पर बैठे हैं। और सिक्कर की धरती को मैं नमन करता हूं, मैं भी सिक्कर का बेटा हूं, खाचरियावास मेरा गांव सिक्कर की धरती पर सिक्कर जिले में आता है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि जिंदगी में सब कुछ वापस आएगा, लेकिन दोस्तों बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आएगा। सही वक्त पर सही काम करना हम सब की जिम्मेदारी बनती है। इस वक्त को ना तो राजा राम रोक पाए ना भगवान कृष्ण रोक पाए। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था, अर्जुन मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन इस समय चक्र को नहीं रोक सकता, क्योंकि समय चक्र को रोक दूंगा तो ब्रह्मांड की गति रुक जाएगी। ये समय अपनी गति से चलेगा, लेकिन इस समय के साथ साथ सबसे बड़ी इस देश की पावर है। इस देश में जब भी महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है, राजाओं का इतिहास पढ़ा जाता है, तो मैं आप सबसे कहूंगा, जिन राजाओं ने इस देश में अपना योगदान दिया है, जिन आंदोलनकारियों ने देश की आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया है, जिन समाज सेवियों ने अपना पैसा खर्च करके अपना योगदान दिया है, जब उनकी जयंतियां हम मनाएं तो नया संकल्प लें, उनकी यादों को अमर करना और उस याद को अमर करने के लिए उनके नाम से प्राइज देना। मैंने अभी आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी साहब से पूछा कि क्या राजा साहब की स्टैचू है यहाँ पर, राव राजा कल्याण सिंह जी की, बोले स्टैचू है लेकिन किसी चौराहे पर। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे सिक्कर का ज्यादा पता नहीं है, लेकिन सिक्कर की आम आदमी सबको, जिस राजा ने सिक्कर बसाया, ऐसा कोई स्थान पर आप सबको मिलकर, और कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, कंट्रोवर्सी के बाद यदि राव राजा कल्याण सिंह जी की मूर्ति आप लगाओ तो मत ही लगाना, लेकिन सब तय करें सारे लोग किसी भी दिन बैठकर कि ये एक ऐसा स्थान है जहां पर उस राव राजा की हमें मूर्ति जरूर लगानी चाहिए, जिसने कॉलेज स्कूल अस्पताल सब कुछ अपना सिक्कर को न्यौछावर कर दिया, तो उसकी मूर्ति जरूर लगनी चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये सोचकर नहीं होनी चाहिए कि वो किस जाति के हैं किस धर्म के हैं, ये सोचकर होनी चाहिए कि वो सिक्कर के बेटे हैं। सिक्कर के बेटे के रूप में वो यहाँ पर उन्होंने रूल किया, और आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनके परिवार का कोई व्यक्ति यहाँ रहता भी नहीं है। राव राजा कल्याण सिंह जी का परिवार आप हैं, कोई नहीं उनके परिवार में, तो कोई सिक्कर में रहता नहीं है, तो परिवार भी आप हैं, ट्रस्ट भी आपने बनाया, उनकी यादों को अमर भी आपने किया। मुझे तो एक दिन वो राजेंद्र पारिख जी मिल गए, उन्होंने इतनी तारीफ की, उन्होंने भी बताया कि साहब राव साहब का तो मामला ही जोरदार था। लेकिन हम छोटे छोटे मुद्दों पर इतना बट जाते हैं कई बार कि मुझे आश्चर्य होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। डेमोक्रेसी में छोटे से फायदे के लिए धर्म में टकराव, छोटे से फायदे के लिए लोकतंत्र में मुझे वोट मिल सकता है, मैं धर्म पे टकराव करके जाति पे टकराव करके वोट ले सकता हूं, लेकिन लोगों के दिल कभी भी नहीं जीत सकता। लोग ये कहेंगे वोट तो ले गया, होशियार आदमी है, लेकिन प्यार और प्रेम का संदेश नहीं दे पाया। राव राजा राजेंद्र सिंह जी को लोग, राव साहब कल्याण सिंह जी को लोग इसलिए याद करते हैं, राव साहब कल्याण सिंह जी बहादुर को, क्योंकि उनका प्रेम का संदेश था, प्यार का संदेश था। और उसी परंपरा पर ट्रस्ट के अध्यक्ष राव साहब राजेंद्र सिंह जी, चित्रंजन सिंह जी सब मिलकर काम कर रहे हैं, पवन मोदी जी, तमाम लोग, और यहाँ सब लोग उपस्थित हैं। मैं आप सब लोगों को भरोसा देता हूँ
राव राजा कल्याण सिंह जी की जयंती के दिन राजस्थान में हमारी नई सरकार बनी है। राजस्थान सरकार में सिर्फ मंत्री के नाते नहीं, कोई मंत्री पद का बुखार नहीं है मुझे। राव साहब कल्याण सिंह जी की जयंती के दिन मैं भरोसा देता हूँ, प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री कम संतरी ज़्यादा है। मैं आज भी रोड मास्टर हूँ, कल भी रोड मास्टर था। राजस्थान की जनता को मालिक मानकर काम करना हमारी जिम्मेदारी है। हम भी राव साहब कल्याण सिंह जी बहादुर के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, जिन्होंने हमेशा जनता को सर्वोपरि माना, अपने आप को सर्वोपरि नहीं माना। आज हम आपको भरोसा देते हैं, इस सीकर की धरती के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी को कभी भी ये लगे कि उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ रही है, कभी भी किसी को भी ये लगे माँ बहन बेटी को कि मेरी आवाज़ कमज़ोर पड़ रही है, आप हमें याद करना। हम आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर हमारी आवाज़ आपको देंगे और आपकी आवाज़ को मजबूती देंगे। हम आपको भरोसा देते हैं, कोई भेदभाव नहीं, ना राजनीति के नाम पर, ना धर्म के नाम पर, ना जाति के नाम पर। चुनाव गए, राजनीति खत्म। चुनाव खत्म होने के बाद सिर्फ विकास की बात, राजस्थान की बात, हिंदुस्तान की बात। जो सम्मान और काम हमको मिला उसको चुनौती के साथ पूरा करना, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इस राजस्थान का कर्मचारी हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो, विद्यार्थी हो, हम सबकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि यदि खेत से, खलियान से, गांव से, झोंपड़ी से रोने की आवाज आए तो हर आदमी को निकलना होगा। सरकारें आती जाती रहेगी लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति को चुप रहने की जरूरत नहीं है, उसको आगे आकर काम करने की जरूरत है। हम आपस में राजनीति में इतना भट गए कि तय कर लेते हैं कि आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी निकल रहे हैं ये तो कांग्रेस के हैं, राव साहब निकल रहे हैं ये तो बीजेपी के हैं। ऐसा नहीं, सबसे पहले हम सब हिंदुस्तान के तिरंगे के हैं, उसकी आन बान और शान के लिए मरने की ताकत रखते हैं, ये संकल्प हमारा होना चाहिए। और उसी संकल्प की कड़ी में ये चितरंजन सिंह जी, पवन मोदी जी, तमाम लोग जो इनकी टीम है, उन्होंने इतना बड़ा समारोह का आयोजन किया। मैं आप सबको भरोसा देता हूं, जब भी सीकर की धरती पर हम मानते हैं, अभी राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें हम हार गए। मुझे लोगों ने कहा चाहे तो 25 हार गया, मैं क्यों 25 लोकसभा हारा, पर हार भी कड़े जो बाकी है थे, चिंता मत करो, कलेजा में बहुत ताकत है। राजस्थान के गांव गांव में घूमेंगे, खेत में जाएंगे, खलियान में जाएंगे, झोंपड़ी में जाएंगे, माँ बहन बेटी के सम्मान के लिए अपना खून बहाएंगे, लेकिन राजस्थान का सम्मान बढ़ाएंगे, ये हम आपको भरोसा देते हैं। राजस्थान के सम्मान में कोई कमी नहीं रखेंगे, क्योंकि जो जिम्मेदारी हमको सरकार में मिली है उस जिम्मेदारी को पूरा करना हमारा धर्म है। राव राजा कल्याण सिंह जी की जयंती के दिन यही बड़ा संकल्प मैं आपको लेता हूं और मैं आपको भरोसा देता हूं, सरकार का एक भी नुमाइंदा भेदभाव से ऊपर उठकर हर व्यक्ति की आवाज बनकर काम करने के लिए कृत संकल्प है। जहां भी जरूरत होगी, जहां भी पुकारा जाएगा, जहां नहीं पुकारा जाएगा वहां भी हम आपको नजर आएंगे। मैं आपको भरोसा देता हूं, एक बार फिर सीकर की धरती का, हमारा सीकर ही हमारा परिवार है। आपको कभी भी ये लगे जयपुर में आपको सरकार में कोई काम है, सरकार के अलावा जयपुर में कोई काम है, आप मुझे याद करना, किसी का भाई, किसी का बेटा बनकर, किसी का दोस्त बनकर मैं हमेशा आपके काम और सम्मान के लिए 2400 घंटे आपको तैयार खड़ा मिलूंगा। मैं आपको भरोसा दे, मैं एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ चितरंजन सिंह जी को, पवन मोदी जी को, राम सिंह जी पिपराली, डॉक्टर बलवंत सिंह जी चिराना, राजेंद्र खंडेलवाल जी, मदन सिंह जी गोगावास, अजीत कुमार जी भार्गव, विक्रम सिंह जी वाईपुरा, जिन लोगों का निवेदक में नाम है, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में बड़ी भूमिका निभाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे लायक कभी भी कोई भी काम हो, आधी रात को जान हाजिर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।